बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हिल टॉप एड्स की जो है वो मज़ीद आपको डिटेल बताई जाएंगी। हिल टॉप एड्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, आप उसको लाजमी से देखें, उसका रिव्यू मैंने किया है, आप उसको लाजमी से जो है वो चेक करें। तो आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो में हिल टॉप एड के बारे में मज़ीद जो है वो आपको बताया जाएगा। और वो क्या बताया जाएगा कि इसका जो CPM RPM जो हमें मिलता है वो कितना मिल रहा है, कौन सी कंट्री से हमें जो है वो अच्छा RPM CPM मिल सकता है, कौन से एड्स जो है वो हमें यूज़ करने चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर जिससे जो है वो हमें अच्छा CPM RPM मिल सकता है, और जो अर्निंग हमें मिल रही है वो क्लिक से मिलती है अच्छी या फिर CPM वगैरह से हमें अच्छी अर्निंग मिलती है। तो ये तमाम तर डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिन लोगों ने मिस्टर आतिफ हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके लाजमी से इसको सब्सक्राइब करें। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी जो है वो वीडियो नहीं होगी, ठीक है। और हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर चल के आपको दिखा देता हूँ कि इस पर जो है वो किस तरह से काम किया जाता है और कौन सी कंट्री को सही तरह से जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद हिल टॉप एड्स आपके सामने ओपन है। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको मजीद जो है वो इसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे पब्लिशर का जो बैलेंस है 0.10 सेंट है, यानी कि $1 कम्प्लीट नहीं है अभी, तो 0.10 सेंट है। और ये 10 सेंट कहाँ से मिले, कितने व्यूज से मिले, ये चीज़ आपको जानने वाली होती है। फिर आप जब व्यूज लेकर आएंगे तो अब आपको जो है वो अर्निंग हो जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कंट्री के व्यूज लेकर आए, हमें कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहिए, कौन से एड्स जो है वो हमें यूज करने चाहिए। तो सेकंड नंबर पर मैनेज साइड एंड एड जोन पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो है वो एड कौन से यूज किया है मैंने वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पुश एड जो है वो एक मैंने यूज किया है, उसके बाद पॉप एड जो है वो एक मैंने यूज किया, दोनों में से एक एक जो है वो मैंने यूज किए हैं। इसके अलावा कोई भी एड यहाँ पर ये जो है वो सिफर है, इसको हमने यूज नहीं किया, लेकिन ये दो एड जो है वो मैंने इस वाली वेबसाइट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो रिव्यू वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर है, आप जो है वो एंड स्क्रीन पर लाजमी से इसको देख लीजिए। अच्छा, स्टैट्स पर हम चलते हैं। यहां पर देखें पब्लिशर के नीचे जो है वो स्टैट का ऑप्शन है, यहां पर हम आ जाते हैं। एड टाइप जो है वो आप कौन सा भी जो है वो एड जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो मैं इसको एनी रहने देता हूं कि जो भी एड हमने यूज किया है उसको हम चेकआउट कर लेंगे। यहां पर वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर तो आपके साथ आपके पास जो है वो बेशुमार वेबसाइट अप्रूवल है तो आप जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं। एड जोन को भी आप टारगेट कर सकते हैं, जितने भी जो है वो एड्स आपने क्रिएट किए हैं उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। एडवर्टाइजर कौन सा होना चाहिए, कोई भी एडवर्टाइजर होना चाहिए या जस्ट जो है वो हिल टॉप एड वाला एडवर्टाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको एनी ही रहने देना है। कंट्री को यहां पर आप स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री के डिटेल जो है वो आपने चेक करनी है। उसके बाद ग्रुप पर आ जाते हैं, आपने यहां पर देखें डेट, एडवर्टाइजर, साइट, एड जोन वगैरह, आप यहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर पीरियड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो पीरियड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो है वो लास्ट मंथ या फिर दिस मंथ कर देता हूँ। कौन सी डेट को मैंने शुरू किया था, कौन सी डेट को मैंने व्यूज़ लिए, मुझे सही से याद नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरे मंथ को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रुपिंग पर आ जाते हैं। ज़्यादा मजीद लंबी वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। तो जियो पर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर गेट स्टैट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे स्टैट जो है वो लोड हो चुके हैं। होने के बाद यहाँ पर इंप्रेशन पर मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा से इंप्रेशन पर क्लिक करता हूँ। जो हम मुझे हाईली इंप्रेशन मिले हैं, कौन कौन सी कंट्री से मिले हैं, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यूनाइटेड स्टेट से देख सकते हैं कि 71 है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान से देख सकते हैं, फ्रांस से देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख सकते हैं, कनाडा, रोमानिया, ठीक है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट से हमें 2 क्लिक मिले हैं, इसके अलावा किसी भी जो है वो कंट्री से हमें कोई भी क्लिक नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुई है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है 0.07 जो है वो हमें यूनाइटेड स्टेट से, और 0.01 जो है वो यहाँ पर मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 कंट्री जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस से जो है वो हमें अर्निंग हुई है, ठीक है। और हमें जो है वो इससे CPM जो मिला है वो तकरीबन $1 का मिला है, $1 का CPM मिला है। 1000 इंप्रेशन के ऊपर हमें जो है वो $1 की अर्निंग हो जाएगी। उसके अलावा क्लिक थ्रू रेट जो हमें मिला है, CPM जो हमें क्लिक CPM मिला है, वो देख सकते हैं कि 36 जो है वो USD का मिला है, यानी कि अगर हमें
क्लिक्स होते हैं, 1000 क्लिक आते हैं तो हमें $36 मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये डिटेल्स अभी आपके सामने शो हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी कंट्री से जो हमें व्यूज मिले हैं, देख सकते हैं कि उन कंट्री से जो है वो हमें कुछ खास जो है वो CPM RPM नहीं मिला, पाकिस्तान से 0.06 मिला है। ये इंक्रीज हो जाता है लेकिन अभी फिलहाल इतना मिला है। जो है ऑस्ट्रेलिया से 0.85, जो है वो कैनेडा से 0.90, रोमानिया से 0.42, इस तरह का जो है वो हमें RPM मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। RDS पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। अदर चैनल्स पर अदर जो है वो एड नेटवर्क पर मैंने RDS वीडियोस बना के रखी हैं, आप उनको भी लाजमी से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।